सोसाइटी वाले खा लेते हैं। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। दोस्तों हमारे पास GoPro आ चुका है अभी। अभी जो व्यू देख रहे हो आप लोग वो उसी GoPro 10 से है। आया है मेरे पास, सब सेटअप वेटअप कर लिया। आज निकले हैं हम चेक करने, कैसे दिख रहा है, एंगल कैसा है, साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है। आपको साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है वो बताना जरूर कमेंट में। इधर ट्रैफिक है थोड़ा, अभी ट्रैफिक जिधर कम है उधर जाते हैं हम उस रोड पे। तो इधर आपसे बातें करने में दिक्कत होगी थोड़ी। GoPro 11 और 10 में से सोच रहा था मैं, ये 11 ज़्यादा ही महंगा है और ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है 10 और 11 में, तो 10 ही ले लिया। अभी बैटरीज भी मंगवाई है एक्स्ट्रा, वो अभी तक आई नहीं है। अभी एक बैटरी से ही कितना होता है शूट देखते हमें ट्रैफिक कम मिलेंगे। इस साइड पे ट्रैफिक कम होती है थोड़ी, आपको व्यू भी अच्छा मिलेगा। ये सेटिंग भी बताऊंगा मैं क्या क्या की है मैंने, ज़्यादा कुछ खास सेटिंग नहीं की है। अभी हम थोड़ा भगाते, अभी 50 पे है, 80 प्लस करके देखते हैं कि साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है माइक की। तो आपको आवाज़ कैसी आ रही है ज़रूर बताना। अभी हम ठीक है, तो ऊपर जा चुके हैं। आगे जाते हैं और बाद में और थोड़ा खींच लिए इसको, 100 प्लस करके देखते हैं। ये अभी सुपर व्यू मोड में है। पुराने कैमरे में इतना एंगल नहीं मिलता था ना, बाइक का कंसोल और सामने का व्यू पूरा नहीं आता था।
कभी कंसोल दिखता था तो कभी व्यू नहीं दिखता था। तो इस वजह से मैंने GoPro लेने की सोची है, पर क्वालिटी भी कैसी है बता दे, क्वालिटी भी अच्छी आ रही है ऐसा मुझे तो लग रहा है। अभी 4K में रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, 4K 60fps में। स्टेबिलाइजेशन मीडियम है हमारा, वो हाइपर स्मूथ रहता है, वो पूरा बूस्टर नहीं गया है। अब थोड़ा भाग के देखते हैं। थोड़ा भाग के देखते हैं हम, इधर से ही यू टर्न लेते हैं। बैटरी कितनी है एक मिनट देखता हूँ जरा, अभी 56% बैटरी बाकी है। पूरा चार्ज नहीं किया था मैंने, आधा घंटे या 45 मिनट तक के बैटरी चलती है शायद। इसलिए मैंने एक्स्ट्रा बैटरी पहले से ही मंगवा के रखी है, अभी उसको आने में 2-3 दिन लगेंगे। अभी कैसा ये भी पोर्शन दिखता है ना, तो व्यू अच्छा दिखता है। आप लोग जब देखोगे व्लॉग में, कई लोगों का बाइक का कंसोल नहीं दिखता, कुछ कैमरा में नहीं होता है वो, उतना व्यू एंगल नहीं होता है। पहले से ही GoPro लेना चाहता था मैं, लेकिन बहुत खर्चा हो चुका था पहले से। GoPro से पहले मैं कैसन का कैमरा यूज़ करता था, कैसन CS6 का, वो लगभग मुझे 11,000 को शायद पड़ा था, वो 11,000, हाँ 11,000 ही पड़ा था वो। अभी मैंने वो पैक करके रखा है बेचने के लिए। मजा आ रहा है इस कैमरे से शूट करने में। आई जरूर बताना आपको कैसा लग रहा है एंगल, व्यू और साउंड क्वालिटी, कमेंट्स करना जरूर। अभी एक दोस्त को मिल के आते हैं और चल करे जाते हैं उधर। कल मैंने इस कैमरे का टेस्ट लिया था,
कल आया था मैं चेक करने के लिए, इसी रोड पे आया था। एक केस नहीं था मेरे पास ना, तो उसमें एडाप्टर नहीं लगा सकता था, तो ऐसे ही चेक किया विदाउट माइक एडाप्टर के, साउंड आती है कि नहीं आती है, तो नहीं आती है। हाँ, अगर वाइजर ओपन रखे तो आती है आवाज़, वो भी अच्छी आवाज़ आती है बाइक पे रहने के बावजूद। दोस्तों मिलके हो गया, मैंने कैमरा ही ऑफ करके रख लिया था बैटरी बचाने के लिए। थर्टी 35% बैटरी बाकी है अभी, अभी जाते सीधा घर। बड़ी गाड़ी होती है ना, ज़्यादा ट्रैफिक होती है, रास्ता भी छोटा है ना। तो अब हम पहुँचने वाले हैं घर। चलो भाई, जैसे ही सपोर्ट करते रहो और अपने भाई की चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। चालू है आता आता तो लावते गरम झाले भाई। हाँ कर जास्त नको, अरे येथील सोसायटी वाले खाली येतील। सोसायटी वाले येतील खाली मला पकडायला।